हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, हमें आप लोगों के कई सारे कमेंट और ईमेल्स मिले जिसमें कई लोगों के सवाल थे कि आपने ये तो बताया है कि एमडीआरटी कैसे अचीव करें, लेकिन कई लोगों के सवाल थे कि आखिर एमडीआरटी होता क्या है। कई सारे नए एजेंट ये जानना चाहते हैं कि एमडीआरटी क्या है, क्यों ये हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक सपना होता है, क्यों हर एजेंट एमडीआरटी बनना चाहता है, ऐसा क्या खास है एमडीआरटी में, हम इसको क्यों अचीव करना चाहते हैं और कैसे एक एमडीआरटी करने से नॉर्मल एजेंट की लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि एमडीआरटी क्या है और इसको अचीव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इससे एक नॉर्मल एजेंट की लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MDRT का फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। MDRT ट्रेड एसोसिएशन है जो 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद करना और बीमा व्यवसाय को बढ़ावा देना है। 2008 तक इस ऑर्गेनाइजेशन में 82 कंट्रीज के 39,000 से भी ज़्यादा मेंबर थे। ये संस्था US अमेरिका में है। MDRT अपनी हर साल एक मीटिंग करती है जो नॉर्थ अमेरिका या एशिया में होती है। हर साल इसमें 10,000 से भी अधिक मेंबर और गेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, MDRT लेवल अचीव करने के लिए हर इंश्योरेंस एजेंट को मिनिमम लिमिट का कमीशन अचीव करना होता है, जिसके बाद उसको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये कमीशन लेवल आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में अचीव करना होता है, क्योंकि अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किया जाता है। अगर कोई एजेंट एक साल में 3 बार MDRT क्वालिफाई करता है तो वो बनता है COT। COT का फुल फॉर्म है कोट ऑफ द टेबल। अगर कोई एजेंट एक साल में 6 बार MDRT क्वालिफाई करता है तो वो बनता है TOT। TOT का फुल फॉर्म है टॉप ऑफ द टेबल। चलिए बात करते हैं MDRT क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। कोरोना पैंडेमिक से पहले कमीशन और प्रीमियम में और प्रेजेंट कमीशन और प्रीमियम में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले अगर बात की जाए तो कमीशन 9,98,900 पर और प्रीमियम 39,95,600 पर आपको MDRT अचीव कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंटली ये कुछ चेंज हो गया है। अब आपको MDRT क्वालिफाई करने के लिए कमीशन चाहिए 7,34,700 रुपीज़ और प्रीमियम चाहिए 29,38,800 रुपीज़। और अगर हम COT क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोरोना पैंडेमिक से पहले इसमें कमीशन 29,96,700 रुपीज़ चाहिए था और यहाँ पे प्रीमियम होना चाहिए था 1,19,86,800 रुपीज़। नाउ प्रेजेंटली यानी पैंडेमिक के बाद 22,04,100 का कमीशन और 88,16,400 का प्रीमियम आपको COT क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब बात कर लेते हैं TOT की क्वालिफिकेशन के बारे में। पैंडेमिक से पहले जो कमीशन था वो था 59,93,400 रुपीज़ और प्रीमियम 2,39,73,600 रुपीज़। और अब जो कमीशन आपको चाहिए TOT क्वालिफाई करने के लिए 44,08,200 रुपीज़ और प्रीमियम चाहिए 1,76,3,200 रुपीज़। चलिए आगे समझते हैं MDRT करने के फायदे। MDRT एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है, इसमें कई देशों के इंश्योरेंस एजेंट शामिल होते हैं, तो बीमा बेचने की नई नई प्रैक्टिसेस का भी पता चलता है। MDRT अचीव करने से आपके शहर में नाम होगा, आपकी ब्रांच में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, अच्छा कमीशन के कारण आपके स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। फ्रेंड्स, MDRT के फ़ायदों को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है।
आपने कॉफ़ी कई बार पी होगी। कॉफ़ी 20 रुपये से लेकर 200 से 300 रुपये तक भी होती है। इसी तरह MDRT अचीव करने में आप जिन जिन बाधाओं को पार करते हैं उससे आपको वो अनुभव मिलता है जिससे आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस मंथ में आप MDRT कंप्लीट करने का गोल बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्यूचर में इंश्योरेंस से रिलेटेड किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।